महाराष्ट्र सचिवालय मंत्रालय की समक्ष जमीन के पर्याप्त मुआवजे की मांग करते हुए जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 84 वर्षीय किसान की रविवार 28 जनवरी की रात को मौत हो गई। किसान को गंभीर हालत में स्थानीय जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उत्तर महाराष्ट्र के रहने वाले किसान धर्मा पाटिल की जमीन सरकार ने सोलर पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित की थी, इसके लिए उसे कम मुआवजा मिला था। इस महीने की 22 तारीख को पर्याप्त मुआवजे की मांग करते हुए उसने सचिवालय के समक्ष जहरीला पदार्थ खा लिया था। अधिकारियों ने बताया कि पाटिल का पोस्टमार्टम अस्पताल में करा लिया गया है और बाद में शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। किसान पाटिल जहर खाने के बाद खुद सरकारी अस्पताल में गए थे। पाटिल के बेटे का कहना है कि उन्होंने सही मुआवजा पाने के काफी प्रयास किए थे। नरेंद्र पाटिल ने बताया कि उनके पिता को 5 एकड़ जमीन के लिए 4 लाख रुपए दिए गए थे। 84 साल के धर्मा कई महीनों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें हर जगह से असफलता हाथ लगी थी। मजबूर होकर 22 जनवरी को धर्मा ने महाराष्ट्र सचिवालय के सामने जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिवार ने कहा कि वे तब तक धर्मा का शव नहीं लेंगे जब तक उन्हें जमीन के एवज में उचित मुआवजा दिए जाने का लिखित आश्वासन न मिल जाए। वही किसान की मौत के बाद फडणवीस सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।